लिमिट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम डिफरेंट फंक्शंस की लिमिट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम्स कह लें या रूल कह लें, तो उसमें हमारे पास नंबर वन पे है लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ एफ एक्स और एम ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स, ठीक है। और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एल के, और लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एम के, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें है कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। सम ऑफ देयर लिमिट्स मीन लिमिट अप्लाई होगी पहले फंक्शन पे प्लस लिमिट अप्लाई होगी दूसरे फंक्शन पे, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगी एल प्लस एम के, ठीक है। इसका मतलब कि लिमिट जो है वो लीनियरली जो है रिएक्ट कर रही है इनके फंक्शंस के ऊपर। अगर कोई दो फंक्शंस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे। सपोज हमारे पास हमें लिमिट फाइंड करनी है हमें लिमिट गिवन है x अप्रोचेस 1 x प्लस 5, ठीक है। तो नहीं, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब कोई दो फंक्शन जो हैं वो ऐड हो रहे हों और उनकी लिमिट फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से आएगी, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये इक्वल आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 5x, ठीक है। और x की अब रिप्लेसमेंट कर देंगे 1 के साथ, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 विच बिकम्स 1 plus 5 equal to 6। तो ये हमारे पास 6 जो है ये वो नंबर था, मतलब कि लिमिट जब हम x अप्रोचेस a जब पहले पुट कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो जो l स्पेसिफाई किया था कि वो नंबर है जो लिमिट की वैल्यू है, तो यहाँ पे वो 6 आ रहा है, ठीक है। तो सम अगर दो फंक्शन जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो लिमिट जो है वो फर्स्ट लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। जहाँ पे हम सम ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन का माइंड में आता है कि अगर सम में कोई रूल अप्लाई हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन अगर दो फंक्शन की हो रही हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर कोई दो फंक्शन है और उनका डिफरेंस है तो हमने उसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स के, ठीक है। मींस के लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वो इक्वल आएगी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये इक्वल थी एल सॉरी माइनस माइनस एम के, ठीक है। तो डिफरेंस भी इसी तरह से आएगा। अब हम फंक्शन कोई एक लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 x-5, ठीक है। तो ये इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 x माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, अब 5 में इसके साथ वेरिएबल कोई नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है तो वो जो बाकी कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो और ये आ जाएगा -2। उसके बाद हमारे पास आता है
नेक्स्ट थ्योरम कि अगर कोई कांस्टेंट जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस पर लिमिट कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, सपोज के कोई एक सी कांस्टेंट है, ठीक है, और वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे हम लिमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये इस पे किस तरह से अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आएगी, ये सी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, जो उसके साथ कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट है, 1, 2, 3, -1, -2, -3, रियल नंबर्स में से कोई भी है, वो इस तरह से बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है और उसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को और फंक्शन है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, जो के बन जाएगा ये, और ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, हमने एडिशन की बात कर ली, सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात ना करें या डिवीजन की बात ना करें। ठीक है, तो कोई दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर लिमिट जो है वो किस तरह से अप्लाई होगी हम वो देखते हैं। सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है। ठीक है, कोई इस तरह से दो फंक्शन जो है उनका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो किस तरह से अप्लाई होगी, वो भी सेम लीनियरली अप्लाई होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, वो उन दोनों के साथ इस तरह से ही अप्लाई होगी और वो बनेगा f ऑफ x की लिमिट को हमने l लिया था और g ऑफ x की लिमिट को हमने m लिया था, तो वो इस तरह से हमारे पास आएगा। ठीक है, और अगर हमने अब बात कर ली है एडिशन की बात कर ली, सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली, तो ऑब्वियस है कि हम डिवीजन की बात करते हैं। हम डिवीजन की बात करें तो अगर हमारे पास कोशेंट की फॉर्म में या डिवीजन की फॉर्म में कोई फंक्शन दो जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब अगर कोशेंट हो तो हमें पहले ये बात श्योर करनी पड़ती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी लिमिट हमने किस तरह से लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स is equal to limit x approaches a f of x over limit x approaches a g of x। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगी l over m के, और कंडीशन क्या थी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, इसका मतलब कि लिमिट का आंसर जो है वो भी ज़ीरो ना आए। तो इस तरह से अगर कोई दो फंक्शन जो है वो कोशेंट की फॉर्म में हो तो उनकी लिमिट का आंसर जो है वो इस तरह से आएगा। वेन एवर डिनोमिनेटर बिकम ज़ीरो, उस पर हमारे पास कुछ और रूल्स हैं, फिर वो अप्लाई होंगे। हमारे पास लास्ट थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन है वो हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में है या वो पावर की फॉर्म में है और हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट जो है वो ऐसे फंक्शन पे किस तरह अप्लाई होगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, और हमने एफ ऑफ एक्स की क्या बात की है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो किसी को एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस पर लिमिट किस तरह से अप्लाई होगी कि लिमिट अंदर चली जाएगी और जो पावर है वो बाहर रहेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स
और पावर बाहर एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। और ये बन जाएगा एल रेज टू पावर एन। अब ये एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट और उसके थ्योरम्स यहीं तक थे। उसके बाद अब हम मज़ीद जो हैं वो कुछ रूल्स हैं लिमिट्स के, वो डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज़।